देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग संसाधनों की कमी के चलते निर्णायक दौर में नहीं पहुंच सकी है। स्वास्थ्य का ढांचा इतना कमजोर है कि ना मरीजों को एम्बुलेंस में असर है और ना ही पर्याप्त अस्पताल है। दूसरी ओर फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहे जा रहे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स प्रोटेक्टिव गियर्स जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना कोरोना मरीजों का सामना कर रहे हैं। देश में चल रही कोरोना जांच की सुस्त रफ्तार की वजह भी संसाधनों की कमी है। ऐसे माहौल में केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए के अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश की नई संसद, नया केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नई इमारतें बनाई जाएंगी। सवाल उठ रहे हैं कि अगर यही 20,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के मदद में खर्च किए जाएं, तो आर्थिक तंगी और कोरोना संकट की दौर में ये करोड़ों लोगों के लिए कितना बड़ा मरहम साबित हो सकती है। देश में ऐसे मरीजों की कमी नहीं जिनकी मौत देरी से अस्पताल पहुंचने के कारण होती है। इन जिंदगियों को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस से बचाया जा सकता है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। इस एम्बुलेंस में दिल को शॉक देने वाली मशीन, पल्स चेकिंग सिस्टम, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी बेहतरीन सुविधाएं होती हैं। 20,000 करोड़ रुपए में ऐसी 10,000 एम्बुलेंस खरीदी जा सकती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तो 20,000 में खरीदी जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक देश में केवल 48,000 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन कोरोना की जंग में वेंटिलेटर बेहद अहम है। ये वायरस फेफड़ों पर हमला करता है और मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। 20,000 करोड़ रुपए से ऐसे 1,30,000 वेंटिलेटर्स खरीदे जा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जांच मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत 4,500 रुपए है। अगर किसी परिवार के 5 लोगों को कोरोना का टेस्ट करवाना पड़े तो उन्हें उसके लिए 22,000 रुपए तक का खर्च करना पड़ेगा, जो कि एक गरीब इंसान के लिए बड़ी रकम है। सेंट्रल विस्ता पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि से 42,50,000 टेस्टिंग किट खरीदी जा सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि हमारी प्राथमिकता में स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाना शामिल है या नहीं। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।